अरे दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है एस एस प्लम्बिंग एंड ब्लॉक्स में। तो आज हम लोग एक नई साइट पर आए हैं, तो आज हम लोगों का HWR 5 का काम होगा। हाँ तो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं, ये हम लोग लेटरिन का लाइन कर रहे हैं। तो ये मेन लाइन हो गया, ये कॉमोड का लाइन है ये वाला, इसमें कॉमोड बैठेगा, उसमें पेन बैठेगा। तो एक ही बाथरूम में दोनों सिस्टम हो रहा है, तो इसीलिए अभी ऐसा हो रहा है। और ये एक लाइन सीधा जो है वाई वाला, ये सीधा चला जाएगा। उधर भी एक बाथरूम है, उधर भी ऐसा ही सेम होगा। तो अभी करते हैं, तो बताते हैं, अभी आपको दिखाते हैं आगे कब। तो दोस्तों, ये उस बाथरूम का लाइन है, ये मेन लाइन है। तो ये अंदर आएगा इस हॉल से, और यहाँ पे भी एक कॉमोड का पॉइंट होगा, और वहाँ पे एक पेन का पॉइंट होगा, ओटी पेन का। तो अभी इधर हम लोग थोड़ा लाइन कर लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, इस बाथरूम से उस बाथरूम तक का पाइप नाप लेते हैं, नाप के फिर लगा देंगे। ड्राप को लेवल कर रहे हैं और टुकड़ा जोड़ दिए। वाटर लेवल करके ड्रॉप लेवल करना बहुत जरूरी है। ये ड्राप को जैसे कि देख सकते हैं, लेवल अब एकदम सेंटर पे है, सही है इसका मतलब। ये हाफ बेंड वाई पुश कर रहे बेंड कोमोड के लिए, इसको भी लेवल कर लेते हैं सही से। देखिए इसको लेवल कर रहे हैं, एकदम सेंटर होना चाहिए। हमारे सेंटर है, मतलब एकदम सीधा है। अगर टेढ़ा भी टेढ़ा लग जाएगा तो फिर बाद में लगाने में कॉमोड को बहुत दिक्कत होगा। हमेशा लेवल करके ही लगाएं। अभी पिट ट्रैप लग गया। हाँ तो दोस्तों, अभी पाइप को गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद इसमें सॉकेट बना लेंगे हम लोग। गर्म होने के बाद हम लोग इसमें 45 डिग्री हाफ बेंड पुश कर देंगे। जैसे पाइप गर्म हो गया है, तो अब इसमें 4 इंची का 45 हाफ बेंड डाल लेंगे अंदर। और डालने के बाद अब इसको नाप के काट लेंगे। दोस्तों, हमेशा ये नीचे फ्लोर में ही करना चाहिए, ऊपर के फ्लोर में नहीं करना चाहिए। ऐसे नहीं तो लीकेज होने से कभी भी छत पूरी ख़राब हो सकती है। देख सकते हैं, हम लोगों का लेटरिंग लाइन पूरा हो चुका है। ये मेन लाइन ये वाला, ये मेन लाइन वो साइड चला गया, वहाँ पेन बैठेगा और यहाँ कॉमोड बैठेगा। अब दूसरा लाइन में, दूसरा बाथरूम में चलते हैं। ये दूसरे बाथरूम में आ चुके हैं। इसमें भी सर सेम ही है सब कुछ। ये भी कॉमोड का है, वो पेन का है, इसमें भी सेम है। हमेशा दोस्तों वाई देकर काम करें ना, वाई देकर काम करने से कभी लाइन जाम नहीं होगा। जैसे देख सकते हैं, इस बाथरूम में वाई देकर काम किए हैं। यहाँ पे टी देना पड़ा कुछ ऑप्शन के कारण, नहीं तो थोड़ा दिक्कत हो जाता। हमेशा वाई देने से क्या है, लाइन कभी जाम नहीं होगा। ऐसे रिटर्न नहीं जाएगा पानी, वाई देने से रिटर्न नहीं जाता है पानी कभी। तो ये हमारा लेटरिंग लाइन कम्प्लीट हो चुका है ना, अब तो ठीक है। अब मिलते हैं आगे।